ग्रीक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और प्रीति भोज का आयोजन होगा। बहुत बड़े कड़ाहे में अनुष्ठान तैयार हो रहा था। ऊपर से एक चील सांप को चोंच में दबाए जा रही थी। भूखी चील उधर से सांप मौत से डरता हुआ छटपटा रहा था। उसने अपने फन से जहर फेंका। चील का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर सारा जहर उस बड़ी कड़ाही में आ गिरा। जिस जिस गरीब ब्राह्मण ने प्रतिभोज में हिस्सा लिया वो सब चल बसे। ये क्या, चले थे धर्म कमाने और ये क्या से क्या हो गया। महाराज को न दिन में चैन न रात को नींद, बहुत परेशान हो गए। एक रात प्रभु के दरबार में जा पहुंचे। हे भगवान, ये पाप मेरे राज्य में जरूर हुआ है, सजा भी मिलनी चाहिए। बस इतना भर बता दीजिए, सजा किसे मिलनी चाहिए? मुझे, जिसने अनुष्ठान का आयोजन किया, या मेरी मंत्रिपरिषद को, या उस रसोइये को जिसने जहर गिरता हुआ नहीं देखा, या फिर उस चील को पाप का भागीदार बनाया जाना चाहिए जो सांप को लेकर रही थी, या इस सारे पाप का भागीदार वो सांप है जिसने जहर उगला? प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। आंख खुली तो महाराजा और ज्यादा चिंतित हो गए। ये क्या, पाप किसी ने भी किया है, प्रायश्चित राज्य की तरफ से जरूर होगा, और इस बार अनुष्ठान का आयोजन उससे भी बड़ा किया जाएगा। मुनादी करा दी गई, सभी गरीब अमुक तारीख को महाराज के महल में अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और सामूहिक प्रीति भोज होगा। उससे भी बड़ा कड़ाहा चढ़ा गया। लोग चले आ रहे थे। उन्होंने महल का रास्ता एक महिला से पूछा। महिला ने कहा, देखो भाई, वैसे तो तुम्हारी मर्जी, रास्ता मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी, लेकिन यहां का राज्य बहुत अजीब है। महाराज ने पिछले अनुष्ठान में सभी गरीब ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया है। इस बार का आयोजन तो उससे भी बड़ा है। जहर कर मारने की योजना उसके दिमाग में है, फिर भी तुम जाना चाहते हो तो यह रास्ता है। इस बार प्रभु सपने में आए तो महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु, हमने राज्य की तरफ से अनुष्ठान तो कर दिया है, किंतु यह बताने का कष्ट करें कि पाप का असली भागीदार कौन है। प्रभु हंसने लगे। आप चिंता न करें महाराज, पाप का सारा जिम्मा न सांप का है, न चील का, न आपके रसोइये का, नहीं आपका और ना ही आपकी मंत्रिपरिषद का। सारे पाप का जिम्मा तो उस महिला ने ले लिया जो इस तरह का भ्रम फैलाकर लोगों में डर पैदा कर रही है, लोगों के विश्वास को तोड़ रही है, राज्य में अराजकता फैला रही है। आम तौर पर देखा गया है, हम एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं, फालतू की बातें फैलाते रहते हैं। जिन बातों में कोई सच नहीं वह रोजाना फैलाई जा रही है। क्यों न हम सब एक सकारात्मक माहौल बनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं। बस कहानी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सबको एक दूसरे की आलोचना न करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। न केवल देश का विकास होगा बल्कि मानव जाति विकास की तरफ अग्रसर होगी।